Tao that can be spoken of is not the eternal Tao. The name that can be named is not the eternal name. Tao जिसकी व्याख्या की जा सके वे शाश्वत ताओ नहीं है. नाम जिसकी व्याख्या की जा सके वे सनातन नाम नहीं है. लाओत्ज़ू नहीं बता रहे कि क्या है ताओ. ताओ भी सत्य नहीं है. अब मजबूरन उन्हें एक शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नहीं तो वे आपसे बात कैसे करेंगे. इसीलिए उन्होंने उसे नाम दिया है ताओ का, जिसकी ओर वह इशारा कर रहे हैं. किंतु वे कह रहे हैं कि नाम जिसे कोई नाम दिया जा सके, जिसकी व्याख्या की जा सके, वह सनातन नाम नहीं है. अर्थात उस प्रत्येक वस्तु को, उस प्रत्येक चीज को नकारा जा रहा है जिसे कोई ना कोई नाम दिया जा सकता है. हम कौन हैं? हम तो नामों में ही जीते हैं ना, नामों से ही हम भरे हुए हैं. माने ये जो हमारा मन है, ये तो प्रत्येक वस्तु को कोई ना कोई नाम देना चाहता है. हमारा मन क्यों किसी वस्तु को नाम देना चाहता है? ताकि उसे अपनी स्मृति का हिस्सा बनाया जा सके. मन में किसी भी वस्तु का या तो कोई नाम होता है या उसकी कोई छवि होती है, और साधारणतया दोनों ही होते हैं. कि कोई नाम है तो उसको हमने एक छवि के रूप में याद रखा है, कोई छवि है तो उसको कोई नाम दे करके हमने याद रखा है. ऐसा कुछ भी आपके मन में नहीं होगा, नहीं होता है, जिसका कोई ना कोई नाम ना हो. कहने का आशय क्या है? क्या कह रहे हैं लाओत्ज़ू? वे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी जिसका कोई नाम हो, जिसे कोई नाम दिया जा सके, वह ताओ नहीं है. अर्थात आपके मन में जो कुछ भी है उसमें हर चीज का कोई ना कोई नाम है, तो आपके मन की वह वस्तु हो नहीं सकता. माने आपके मन में जो कुछ भी है उसका तो कोई ना कोई नाम है ना, और जिसका भी नाम होता है वह तो शाश्वत सत्य नहीं है, वह तो ताओ नहीं है. अर्थात यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो सत्य जान लिया, देखो ऐसा ऐसा होता है, देखो वैसा वैसा होता है, आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, आपके मन में उसकी अगर कोई छवि है, यदि कोई नाम है, तो लाओत्ज़ू कह रहे हैं कि भूल जाओ, क्योंकि वो ताओ नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है. माने ये जो नाम है ना, पहचाने शब्द, इनको जरा हल्के में लो, इनसे इतने चिपको मत, क्योंकि आपके जीवन का दुख ही यही है कि आप शब्दों से, नामों से, पहचानों से चिपक जाते हैं, उन्हीं को सत्य मान लेते हैं कि ऐसा है. जैसे आप किसी घर के अंदर किसी कमरे में हैं, उस कमरे के भीतर सैकड़ों हजारों चीजें होंगी, किंतु एक भी ऐसी नहीं है जिसे आपके द्वारा कोई नाम ना दिया गया हो. हर चीज को आपने कोई ना कोई नाम दिया है. तो हम कब किसी वस्तु को कोई नाम देते हैं? कब हम किसी व्यक्ति को कोई नाम या कोई पहचान देते हैं? जब उस वस्तु से, उस व्यक्ति से कोई ना कोई स्वार्थ, कोई कामना होती है. एक बात बताओ, यदि आपको किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कोई कामना नहीं है, उससे कोई स्वार्थ नहीं है, किसी भी तरह का स्वार्थ किसी भी तल पर हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक, सुरक्षात्मक, कोई भी स्वार्थ हो सकता है, जिस वस्तु, जिस व्यक्ति से, जिस चीज से आपको कोई स्वार्थ नहीं है, क्या आप उसे याद रखते हैं? नहीं. क्या आपको उसका कुछ पता होता है? नहीं. आप बाजार से गुजर के आते हैं, क्या हर चीज के बारे में आपको पता है? क्या हर वस्तु को आपने याद रखा? क्या
इतने सारे लोग आपको रास्ते में मिले, हर व्यक्ति को आपने कोई नाम दिया, कोई छवि उसकी आपने अपने पास बचा के रखी? नहीं। आप किस को याद रखते हैं, किसको नाम देते हैं? आप केवल उसी वस्तु अथवा व्यक्ति को नाम देते हैं जिससे आपका कोई स्वार्थ हो, माने जिससे आपको कोई काम ना हो। और नाम दे करके इसीलिए हम उसको अपनी स्मृति का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि उससे कोई स्वार्थ है। और ये जो स्वार्थ है, ये दोनों तरफा हो सकता है, कुछ पाने का स्वार्थ और कुछ खोने से बचाने का स्वार्थ। जिन्हें आप दोस्त कहते हो, जिन्हें आप अपना कहते हो, उनको आप इसलिए नाम देते हो क्योंकि उनसे कुछ मिलने की संभावना है, और दुश्मनों से इसलिए सावधान रहते हो, उनका नाम इसलिए याद रखते हो क्योंकि उनसे बचने और बचाने की व्यवस्था करनी है। तो ये जो आपका मन है, देखो क्या इसमें कुछ भी ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई चिन्ह नहीं, जिसका कोई प्रतीक नहीं, कोई छवि नहीं? आपके मन में, आपके जीवन में, आपके घर में कहीं कुछ ऐसा नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, क्योंकि जो कुछ भी है उससे आपका कोई स्वार्थ है, इसीलिए आपको उसने पकड़, आपने उसको पकड़ के रखा है। लेकिन लाओत्ज़ू कह रहे हैं कि जिसे नाम दिया जा सके वह शाश्वत ताओ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाम क्या है? अगर नाम है तो वह जो नाम है वह उस वस्तु अथवा उस व्यक्ति से आपकी जो कामना है उस कामना की अभिव्यक्ति मात्र है। आपने उस वस्तु को या उस व्यक्ति को जो नाम दिया है वो नाम उस वस्तु से आपकी जो अभिव्यक्ति है, उस वस्तु से आपकी जो कामना है उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। ये अभिव्यक्ति वही है जिसे अष्टवक्र प्रक्षेपण कह रहे हैं कि जगत वस्तुएं आपकी ही कामना का प्रक्षेपण मात्र हैं। क्योंकि जब आपके अंदर कामना होती है तब वास्तव में हमें वह वस्तु नहीं दिखाई देती, अपितु कामना पूर्ति का साधन दिखाई देता है जिसे कि हमने कोई नाम दिया है। तो यदि अंदर कोई कामना है तो बाहर जो दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है, वह तो कामना का प्रक्षेपण मात्र होगा। बताओ अब दोस्त किसे कहते हो? आपकी कामना होती है कि कोई आपका साथ दे और जो वहां पर आपका साथ दे दे आप उसे दोस्त कह देते हो, और जो साथ ना दे वो कहीं ना कहीं आपके लिए दुश्मन हो जाता है। बताओ सामने जो व्यक्ति है वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? क्या वो कुछ है भी? ना वो दोस्त है ना वो दुश्मन है, पर आपको वो क्या दिखाई दे रहा है? आपको वो दोस्त दिखाई दे रहा है, बाकी लोग आपको दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्त क्या है? दोस्त अभिव्यक्ति है आपकी कामना की। दोस्त है नहीं, दोस्त मात्र अभिव्यक्ति है आपकी कामना की। इसको थोड़ा ऐसे भी देख लो, ठीक है, वही व्यक्ति है जिसे आप दोस्त कह रहे हैं और एक व्यक्ति है जिसे आप दुश्मन कह रहे हैं। मैं चलता फिरता आ रहा हूं उधर से और मैं उन दोनों को नहीं जानता और आपको भी नहीं जानता, मैं तो परदेशी हूं, ठीक, कहीं दूसरे देश से आ रहा हूं, बहुत दूर से आ रहा हूं। अब मेरे लिए तो तुम तीनों कैसे रहोगे? मान लो तुम तीनों आराम से अभी बात कर रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे को समझा रहे हो, तो मुझे क्या लगेगा कि तीन लोग हैं, शायद मित्र होंगे इसलिए आपस में बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो तुम वैसे हो जाओगे। अब बताओ यदि उन दोनों व्यक्तियों में से एक अच्छा और एक बुरा ही होता तो वो मुझे भी दिखाई देता ना, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मगर आपको उन दोनों में एक दोस्त दिखाई दे रहा है, एक दुश्मन दिखाई दे रहा है,
इसलिए नहीं कि वो दोस्त या दुश्मन है, इसलिए क्योंकि आपके अंदर कोई कामना है। सिर्फ उसी के कारण एक को आप गले लगाने को तैयार है और दूसरे को मार देने को तैयार है। और आप इस बात को सत्य मानते हैं, जिसे आप दुश्मन मानते हैं, क्या आप नहीं कहते कि सच है कि वो मेरा दुश्मन है? और किसी को आप दोस्त मानते हैं तो क्या आप नहीं कहते तू मेरा सच्चा दोस्त है? ये बात कितनी छोटी, कितनी क्षुद्र है, कितने अज्ञान से आ रही है, पर हम उसको सत्य मान लेते हैं। और क्या इसी सब बातों के कारण हम जीवन में दुख नहीं पाते? जिसको आप अपना कहते हैं, जिसको भी घर परिवार रिश्तेदार, मेरा समाज, मेरा जाति, मेरा धर्म, मेरा देश, जो कुछ भी आप कहते हैं, जो भी आपने जिसको भी नाम दिया, पहचान दिया, क्या वह सब कुछ ऐसा ही नहीं है? क्या वह सब कुछ आपकी ही अपनी कामना की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है? मगर हम उसे सत्य मान लेते हैं और इसीलिए फिर दुख पाते हैं, क्योंकि हमने उसे सत्य कह दिया जो सत्य है नहीं। सामने से एक स्त्री आ रही है, किसी को वह एक वासना पूर्ति का साधन दिखेगी। कोई उसका बच्चा खड़ा होगा तुम्हारे बगल में ही तो उसको माँ की तरह दिखेगी, उसके जो कोई उसे बहन कहता उसको बहन की तरह दिखेगी, किसी को बेटी, किसी को चाची, किसी को बुआ, किसी को साधारण महिला। अगर वो खेल खेलती है तो उसके साथ जो खेलने वाले लोग हैं उनको वो एक खिलाड़ी दिखेगी। अच्छा लिखती है तो किसी को उसमें लेखक दिखेगा, अच्छा गाती है तो उसको किसी को उसमें गायक दिखेगा। यानी सबको उसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या प्रतीत सबको हो रहा है? सबको वही दिखाई दे रहा है जो उनके अंदर की कामना है। तो बताओ, सामने जो है मैं उसे कैसे कोई नाम दे दूं? क्योंकि कोई भी नाम सत्य नहीं, सनातन नहीं। हर नाम उसे सीमित कर देता है, उसे छोटा कर देता है। उसे तुमने माँ कहा तो उसको बहन होने से तुमने काट दिया, उसको खिलाड़ी होने से तुमने काट दिया। अगर वे माँ है तो फिर वो बहन कैसे हो सकती है? किसी की पत्नी, किसी की बेटी कैसे हो सकती है? खिलाड़ी कैसे हो सकती है? तो नाम देना यानी सीमित कर देना, और सीमित करने का अर्थ है किसी दूसरे को खड़ा कर देना। जब तुम स्वयं को कोई नाम, कोई पहचान दे देते हो, तब ही दूसरा खड़ा होता है। जब तुम हर नाम से, हर पहचान से, हर शब्द से मुक्त रहते हो, तब कोई दूसरा नहीं रहता, तब केवल होना मात्र है। तो सामने जो स्त्री है, उसे जो भी नाम दिए, वो सारे नाम क्या सत्य है? नहीं। इसीलिए लाओत्ज़ू कह रहे हैं कि नाम जिसे नाम दिया जा सके, जिसकी व्याख्या की जा सके, वह सनातन नाम नहीं है। द नेम दैट कैन बी स्पोकन ऑफ, द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट द इटर्नल नेम। जिसको आज दोस्त बनाया, हो सकता है कल वो दुश्मन हो जाए। फिर आपको समस्या होगी कि ये दोस्त था, दुश्मन कैसे हुआ? क्योंकि वो दोस्त था ही नहीं, और अभी आप उसे दुश्मन कह रहे हो, पर वह दुश्मन भी नहीं है। बस आपके अंदर की कामना है जो उसे दोस्त या दुश्मन बना रही है। तो ये जो जगत जो है, जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, जैसा आप इसको अर्थ देते हैं, जैसा आपको इस जगत में अनुभव होता है, वह सब आपकी ही कामना के कारण होता है। वह सब आपका ही प्रक्षेपण मात्र है। मेरे अंदर कोई कामना है, मैं अपूर्ण हूं, असंतुष्टि ही अंदर, पीड़ा है, दुख है, बेचैनी है, मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि वह मेरा स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो मुझे उसमें समस्या नहीं होती। शरीर का स्वभाव क्या है? स्वस्थ रहना। मगर जब बीमारियां होती हैं शरीर में, तो हम उसका इलाज कराते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक बीमारी है, जब तक दर्द है, तब तक शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। तो माने शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर कहाँ शांत रहता है? जब बीमारी नहीं होती है, तो शरीर का प्राकृतिक स्वभाव है कि वह स्वस्थ रहे। उसी प्रकार
आपका स्वभाव क्या है कि आप शांत हो, आप मौन हो, आप दुख से, बेचैनी से, अशांति से मुक्त हो। दुख में आपको चैन नहीं मिलता, माने दुख से मुक्ति आपका स्वभाव है। बेचैनी में रहा नहीं जाता, अर्थात चैन आपका स्वभाव है। अशांति में जिया नहीं जाता, अर्थात शांति आपका स्वभाव है। तो मैं बेचैन हूं, मैं अशांत हूं, मैं दुखी हूं, और इससे चूंकि मुझे मुक्त होना है, तो सामने जो कुछ भी मुझे दिखता है उसमें मैं उस साधन को प्रक्षेपित करता हूं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कामना पूरी हो जाएगी, जिससे मेरी अपूर्णता मिट जाएगी, बेचैनी मिट जाएगी। मगर जो बेचैनी है, जो दुख है, जो बंधन है, मेरे अंदर जो अपूर्णता है, जो पीड़ा है, वह है अज्ञान के कारण, नहीं जानने नहीं समझने के कारण वह है। तो वह मिटेगी भी कैसे? जानने से, समझने से, अज्ञान के हटने से मेरे अंदर की अपूर्णता, अतृप्ति हटेगी। मगर अज्ञान के ही कारण मैं उस अतृप्ति के हटाने के साधन को ये जो दृश्य जगत है इसमें प्रक्षेपित करता हूं। मैंने अब जो कुछ भी मुझे प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वह बस मेरी ही कामना की अभिव्यक्ति मात्र है। माने कुछ मेरे लिए अच्छा है, बुरा है, अपना है, पराया है, सुंदर है, कुरूप है, पानी योग्य है, त्यागने योग्य है, जो भी है, जैसा भी है, दोस्त दुश्मन कुछ भी, वह तय हो रहा है मेरी कामना से। उन दोनों के केंद्र में मेरी कामना है। जो कामना के अनुकूल है उसे मैं सही कह देता हूं, उचित कह देता हूं, अपना कह देता हूं। जो अनुकूल नहीं है वो पराया हो जाता है, विपरीत हो जाता है, दूसरा हो जाता है। तो दृश्य जो है वो कामना की अभिव्यक्ति है, और मन फिर उसे कोई ना कोई नाम दे देता है। मन उसे नाम क्यों देता है? ताकि उसे संचित किया जा सके, अंदर उसे संचित किया जा सके। और उसे हम संचित क्यों करना चाहते हैं? कोई भी नाम, कोई भी पहचान, कोई भी छवि हम याद क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि अभी आपको पूर्ण तृप्ति मिली नहीं, और वो मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हमने कहा अतृप्ति का कारण है, अपूर्णता का कारण है, दुख का कारण है अज्ञान। और तुम अज्ञान को नहीं हटा रहे हो, तुम वस्तुएं हासिल कर रहे हो, वस्तुएं एकत्रित कर रहे हो, तो तृप्ति तो उससे मिलेगी नहीं। और तृप्ति नहीं मिलेगी इसलिए यह उम्मीद बनी रहेगी कि शायद आगे कभी तृप्ति मिल जाए, तो इसलिए फिर उसको याद रखना पड़ेगा, उसको संचित करके रखना पड़ेगा। तो कामना बनी हुई रहती है कि सामने जो वस्तु है वह कामना को कभी पूरा करेगी, इसलिए फिर से उसकी जरूरत लग जाएगी, तो फिर उसे याद रखना जरूरी हो जाता है, उसको कोई नाम देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि याद रखोगे उसके नाम से। देखो ना अपने अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको कोई मतलब ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। और हमने कहा कि सारे नाम होते हैं मन के अंदर, तो मन के अंदर जो कुछ भी है वह ताओ नहीं है। अगर मन में कुछ भी आ गया तो वह सत्य नहीं है, उसे सत्य मत मान लेना, क्योंकि जो मन में है वो सीमित है, और जो सीमित है वो सत्य कैसे होगा, इटर्नल कैसे होगा? नहीं होगा। यथार्थ को यदि देखना है तो लाओत्ज़ू कह रहे हैं कि नामों से खाली होना पड़ेगा, शब्दों से खाली होना पड़ेगा। और खाली होने का अर्थ बस यही नहीं है कि हाँ बस दोहरा दिया कि खाली हो गए, सचमुच आपको इन नामों से, इन पहचानों से, इन शब्दों से, इन व्याख्याओं से, इन मान्यताओं से, इन विश्वासों से, उन सारे निष्कर्षों से जो आपने निकाल रखे हैं, उन सब से आपको खाली होना पड़ेगा। जो कुछ भी आपने पकड़ रखा है पूर्वग्रहों के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, संस्कारों के नाम पर, ज्ञान और अनुभव के नाम पर, जो भी आपने निष्कर्ष निकाल लिए हैं कि ऐसा है तो वैसा है, वैसा है तो ऐसा है, आपको उन सबको छोड़ना होगा। उन सबको छोड़ दो तब आपको यथार्थ दिखाई देगा। कोई नाम मत दो।
अन्यथा जो दिखाई दे रहा है वे केवल अभिव्यक्ति मात्र होगी। जब आप हर तरह के नाम, पूर्वाग्रह, मान्यता, विश्वास, धारणाओं, संस्कारों, निष्कर्षों, कंक्लूजन्स, इन सब से मुक्त रहते हैं, तब यह संभावना होती है कि यथार्थ आपके जीवन में उतरें।